बोदा गांव के साथ आसपास के गांवों के ग्रामीणों द्वारा भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यह रैली सिमरिया थाना के मुख्य गेट पर पहुंची, जहां एसडीओपी व एसडीएम से मिलकर किसानों ने चर्चा की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बीते दिनों सीमेंट कंपनी द्वारा ग्राम बोदा के किसानों की 247 धारा का हवाला देकर लगी फसल को बर्बाद किया गया था। इसी क्रम को देखते हुए राजा पटेरिया ने कहा कि जिस किसानों के ऊपर बिना अपराध पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे जेके के समर्थन में वापस लिया जाए। वहीं किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा भी दिया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल करेंगे। अभी तक तो हमारी अभी एसडीएम साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन कलेक्टर साहब से कल बात हुई थी और यही मुद्दा रखा गया था कि किसानों को एक एकड़ उनको मुआवजा दिया जाए, उनके यहाँ नौकरी, बच्चों को नौकरी दी जाए। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर पूरी व्यवस्था, पार्क, अस्पताल, स्कूल वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बन गई तो वहाँ के लोग को ये सब परेशानी आया। और इसी से हम लोग जो किसान को केस दर्ज है वो केस वापस नहीं, क्योंकि किसान का केस दर्ज है तो हम लोग का दर्ज है। और ये हमारे पटेरे जी हम लोग सब मिलकर मांगे पूरी नहीं होगी तो सड़क पे आएंगे। चलिए, गिरफ्तार है तो हम लोग अपने आप को गिरफ्तारी समझते हैं। प्रशासन ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने अभी कल हमारी जब कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उनने ये बोला कि हम 8 दिन के अंदर हम लोग आप जेके सीमेंट वाले कुछ लोगों को बैठा के निर्णय लेंगे। और हम मुझे लगता है कि हो सकता है कि सही निर्णय हो, मगर यदि नहीं होता है तो हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। अभी तक तो हम लोग 50 लाख मुआवजा चाह रहे हैं। जमीन का प्रति परिवार एक नौकरी दी जाए, अस्पताल, पार्क खोले जाए, स्कूल खोले जाए। एक एकड़ जमीन से फैक्ट्री के लोग 1.5 अरब रुपया कमाते हैं, तो उनका 50 लाख रुपया देने में क्या उनको क्या तकलीफ है? हमारी मांग है कि 16 गांव के लोगों की जमीनें जिनकी ले ली हैं उनको भी शेष 50 लाख के हिसाब से पैसा दिया जाए, और नए जिनकी लेना है उनको दिया जाए। और जब तक सेटलमेंट नहीं होता, फैक्ट्री के लोग गुंडागर्दी करेंगे, तो जिस भाषा में वो करेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। हम गांधी के लोग हैं, लोहिया के लोग हैं, नेहरू के लोग हैं। हम हिंसा नहीं चाहते, और प्रशासन और शासन चाहता है मिलकर के हिंसा करें। इसलिए मैं ये कहने आया हूँ कि हम लोग आए हैं उन किसानों के पक्ष में जिन पर केस रज बनाया है आपने, हमें करो गिरफ्तार। हम आए हैं यहाँ पर इसलिए कि जो हमने रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई है किसानों के खिलाफ, किसानों ने फैक्ट्री के खिलाफ, उस पर मुकदमा दर्ज करो। इतने के लिए आए हैं, अब हम वापस जाएंगे। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।